con mi frío. I have done translation of these lines. यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे कुछ डाकू के विषय में और अधिक बताओ। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, कुछ डाकू के बारे में अनिल सर के बारे में मुझे और अधिक बताओ। सुनकर यहाँ आप देख रहे हैं, आप जब भी कोई भी ट्रांसलेशन या कोई भी अंग्रेजी का ग्रामर का पोर्शन उठाते हैं तो आपके दिमाग में एनालिसिस के इतने भी रूल हैं, ऑल रूल्स ऑफ एनालिसिस मस्ट बी इन योर माइंड। सुनकर आप पढ़े हैं, जहां पे करके होता है इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का वो बनाने के लिए हमेशा मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं और फिर वाक्य की शुरुआत पार्टिसिपल से ही करते हैं। Hearing to this, Buddha said, क्या कुछ डाकू के बारे में मुझे और अधिक बताओ। ये इंपरेटिव वर्ब चला गया, टेल मी सम मोर अबाउट दैट पोएम। तब उस व्यक्ति ने कहा, Say
क्या कहा? वह डाकू बड़ा भयंकर है। वह डाकू वह चीते से भी अधिक ताकतवर है। उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। ये सीधे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता है। ये वाला तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में उसने, ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है और सिंगुलर नंबर का है, तो ही मार डाला है। ही के साथ परफेक्ट टेंस में हैज का प्रयोग करते हैं। ही हैज और थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं हम लोग क्रिया का। ही हैज किल्ड बहुत से व्यक्तियों को। ही हैज किल्ड मेनी बहुत से व्यक्तियों को, पर्सन। ही हैज किल्ड मेनी पर्सन। राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती। राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती।
army acting army of the king may not to face him. राजा की सेना भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। सामना नहीं कर सकती। उसका नाम अंगुलीमाल है। उसका नाम अंगुली माल है। His name is अंगुलीमाल ANGULIMALA. His name is अंगुलीमाल। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए जहां अंगुलीमाल रहता था। सुनकर बुद्ध रात जंगल की ओर जंगल की ओर चल दिए जंगल की ओर चल दिए जहां वह रहा था। Here is the place. Here is the place. He began to departure. He began to go towards the forest, towards the forest where Angulimala